जिस जिले में पुलिस की कोई इज्जत नहीं थी वहाँ लौटाया सम्मान। जहाँ से अच्छे अच्छे लोग बैरंग लौट जाते हैं वहाँ बने एनकाउंटर किंग। सुर्खियों से दूर इस आईपीएस को जानेंगे तो कहेंगे ये ऑपरेशन मास्टर है। एक एनकाउंटर करने वाला दारोगा भी आजकल सोशल मीडिया पर सिंघम बनता है। आईपीएस हो या सिपाही, सब सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। लेकिन यूपी का एक ऐसा आईपीएस है जो कम सुनता है, कम बोलता है, कम मिलता है, सरकारी फोन पास में रखता है, लेकिन जब वो एक्शन लेता है तो यूपी हिल जाता है। बड़े बड़े माफियाओं की कुंडली आईपीएस के जेब में होती है। कौन है ये आईपीएस जिनकी गुमनाम कहानी आज हम आपको बताने वाले हैं। आईपीएस राम बदन सिंह। पहचान इतनी है, जिस जिले भदोही में पुलिस का कोई सम्मान नहीं बचा था उस जिले में राम बदन सिंह की पोस्टिंग हुई। भदोही की कहानी जिनको पता है वो जानते हैं। विजय मिश्रा के जेब में रहने वाली पुलिस ने विजय को जेल में कैसे डाला। जब विजय मिश्रा की कहानी खत्म हो गई तो योगी ने आईपीएस राम बदन सिंह को गाजीपुर का कप्तान बनाया। गाजीपुर के कप्तान बनते ही मुख्तार के दिन और बुरे हो गए। न पुरस्कार की मांग, न उम्मीद। 5 सालों तक एसटीएफ, फिर कई सालों तक ईडी में कई ऑपरेशन को अंजाम दिया और अब यूपी के माफियाओं की सफाई में जुटे हैं। राम बदन सिंह ज्यादा जानकारी ना तो सोशल मीडिया पर साझा करते हैं ना देना चाहते हैं। उनका मानना है कि हम ऐसे ऑपरेशन करते हैं जिसका असर हमारे परिवार पर भी पड़ता है, इसलिए गुपचुप बड़े से बड़े ऑपरेशन खत्म कर देते हैं। इसलिए हम भी उनकी निजी जानकारी साझा करने से बचेंगे। हालांकि हम उनकी इस हिम्मत के बारे में बताते हैं जो सुनकर आपको लगेगा अधिकारी हो तो ऐसा ही। अगर सोशल मीडिया पर होते तो लोग इनको भी कहते सिंघम आईपीएस, लेकिन राम बदन सोशल मीडिया पर नहीं है। राम बदन सिंह को योगी ने अगस्त 2019 में भदोही का कप्तान बनाया। दरअसल वो ईडी और एटीएस में काम कर चुके हैं तो उन्हें पता था किसी बड़े ऑपरेशन की बड़ी तैयारी क्या होती है। लगभग भदोही में 10 महीने तक प्लानिंग की। विजय मिश्रा की हर कमजोरी को समझ लिया, विजय मिश्रा की ताकत का अंदाजा भी लगाया और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन विजय मिश्रा। एक पुराने मामले में एफआईआर दर्ज करवाई गई, एसपी ने पूरी प्लानिंग की, फिर देखते ही देखते कई केस दर्ज थे। सबको उम्मीद थी कि विजय मिश्रा को कोई कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन सब गलत साबित हुए क्योंकि राम बदन सिंह की प्लानिंग के सामने विजय मिश्रा को समर्पण करना पड़ा। फिर परिवार के बाकी लोगों के साथ वही हुआ जो यूपी पुलिस करती है। आज योगी की नहीं राम बदन सिंह की देन है कि शांति से काम करते हुए विजय मिश्रा को न सिर्फ सलाखों के पीछे भेजा बल्कि भदोही पुलिस का सम्मान भी लौटाया। भदोही में कोई भी विजय चचा का सगा बताकर पुलिस को हड़का देता था, लेकिन आईपीएस ने बदल डाली जिले की कहानी। विजय मिश्रा चुनाव हार गए, अब राम बदन सिंह गाजीपुर में एक्टिव हैं और वहां के कप्तान हैं। उम्मीद है कि वो वहां भी शांति से मुख्तार अंसारी का पूरा साम्राज्य खत्म करके कहीं और जाएंगे। राम बदन सिंह जैसे पुलिस कप्तान कम है। सरकारी फोन उठाना, खुद जनता से बात करना, बड़े माफियाओं से आसानी से निपटना सबके बस की बात नहीं है। लेकिन इसके बाद भी दिल्ली की मीडिया ने राम बदन सिंह को खूब टीवी पर लाने की कोशिश की। ग्लोबल भारत टीवी ने भी एक बार कोशिश की, लेकिन वो टीवी पर आने से बचते हैं। हमने कई आईपीएस की कहानी आपको सुनाई होगी, लेकिन शायद ये पहले आईपीएस होंगे। आप भी किसी ऐसे काबिल अफसर को जानते हैं जिसकी कहानी अलग हो तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि समाज के असली हीरो को दिखाएगा ग्लोबल भारत टीवी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।